मैंने जब बताया कि मैंने पहले पार्ट में आप लोगों को दिखाया कि लीव अप्लाई कैसे करते हैं, लीव का बैलेंस कैसे चेक करते हैं, यू नो एलएपी, एलएचएपी, सीएलआरएच। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं मोस्टली उन लीव्स पे जिनका बैलेंस मेंटेन होता है, एलएपी, एलएचएपी और सीएल, सीसीएल, आरएच एंड सीएल ऑल्सो, बिकॉज वो लिमिटेड होती हैं। तो अभी हम लोग मेनली उस लीव पे फोकस कर रहे हैं। कुछ लीव्स अगर मिसिंग होंगी, यू कैन ऑलवेज अपडेट अस एंड वी विल गेट बैक टू यू। तब तक आप लोग ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा धीरे धीरे, एक एक करके, जितने भी मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड देन वी विल गो एड। तो पहला क्वेश्चन मुझे किसी ने पूछा था कि सी आर इज कविता प्रदर्शनी, तो शी आज मी सी आर इज नॉट इन दी ऑप्शन। तो कॉम्पनसेटरी लीव इज एसेंशियली अ काइंड ऑफ लीव विच इज रिकॉर्ड मेंटेन इन ऑफिस। ऑफिस वाले सी आर लीव मेंटेन करते हैं, यूजुअली इट इज गिवन इन लियू ऑफ वर्क डन इन वीकली ऑफ और अ हॉलीडे। तो अभी फिलहाल वो सिस्टम में नहीं है, वी विल प्रोवाइड यू वेरी सून, मे बी इन अ कपल ऑफ वीक्स और अ मंथ। टिल सच टाइम आप लोग अपने रिकॉर्ड में जैसे आप लोग अभी सी आर मेंटेन कर रहे हैं वैसे ही मेंटेन करिए, क्योंकि हर ऑफिस में सी आर मेंटेन करने का अलग अलग तरीका होता है, राइट? तो वी जस्ट हैव टू गिव दैट लीव टाइप एंड गिव अ वैलिडेशन विच इज यूनिफॉर्म फॉर एवरी वन। तो वी विल प्रोवाइड टू यू, टिल सच टाइम यू कैन ऑलवेज कीप दैट रिकॉर्ड अवेलेबल इन योर ऑफिस, एंड एज सून एज द सी आर लीव ऑप्शन इज अवेलेबल यू कैन स्विच ओवर टू ऑनलाइन। मतलब अभी आप अपना सी आर मैनुअल रखिए और जैसे ही लीव सी आर का लीव अवेलेबल होगा ऑनलाइन, यू कैन स्विच ओवर टू ऑनलाइन। वील ट्राई टू प्रोवाइड यू वेरी सून। तो दिस इज वन क्वेश्चन। द अदर क्वेश्चन वॉज, इज इट नेसेसरी टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट? नॉट इन ऑल काइंड ऑफ लीव, हर तरह के लीव में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना जरूरी नहीं होता, ठीक है? जैसे आपको एलएपी लेनी है तो आपको हर बार एलएपी के लिए कागज लगाना जरूरी नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए हमने मैंडेटरी नहीं किया है, लेकिन कुछ लीव के लिए हमने मैंडेटरी किया। जैसे कमिटेड लीव के लिए हमने मैंडेटरी किया, अगर आप कमिटेड लीव लेंगे, इफ यू टेक अ कमिटेड सिक लीव, द सिस्टम विल मैंडेटरीली आस्क यू टू अपलोड द डॉक्यूमेंट, ओके? ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी लीव सैंकिंग अथॉरिटी की भी है कि दे चेक दैट द डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर, ओके? एंड यू ऑल्सो ट्रेन योर एम्प्लॉइज, अपने स्टाफ को भी ट्रेन करिए कि जब भी वो ऐसी लीव अप्लाई करें तो उनका डॉक्यूमेंट प्रॉपर रहे। देन प्लीज टेल अबाउट हेडक्वार्टर लीव रिक्वायर्ड फॉर वीकेंड हॉलीडेज। आई थिंक वीकेंड हॉलीडेज के लिए हमने अलग से कोई हेडक्वार्टर लीव दी नहीं है। आई थिंक आई लाइक टू चेक दिस वन, बिकॉज हमने अलग से कोई अभी वीकेंड हॉलीडे के लिए हेडक्वार्टर लीव दी नहीं है। वी विल एक्सप्लोर दैट ऑप्शन। देर इज डेफिनेटली वन ऑप्शन ऑफ हेडक्वार्टर लीव ऑन I'll just try, I'll want to verify, मेरे को दो मिनट का समय दीजिए, मैं एक बार verify कर लूँ कि हाँ, yeah, we have already given headquarter leave permission in holidays. Okay, I just verified it from the system. हमने already there's a option called LVHQ, leave हेडक्वार्टर LVHQ इज हेडक्वार्टर लीव ड्यूरिंग हॉलीडेज, वो ऑप्शन में दिया हुआ, यू कैन यूज दैट, ओके? लीव सैंकिंग अथॉरिटी इन गेस्टेड रैंक लेवल 8 बट इज अंडर स्टाफ मे बी इन लेवल 10 अंडर MACP स्कीम, ओके? सी, MACP इज नॉट द सब्सटेंटिव पे लेवल, द सिस्टम विल ओनली सी द सब्सटेंटिव पे लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। तो अगर इफ अ पर्सन इज एट गेस्टेड लेवल 8 एंड द सबॉर्डिनेट स्टाफ हैज गॉट अ MACP ऑफ लेवल 10, इवन देन द सब्सटेंटिव पे लेवल विल बी लेस, बिकॉज MACP इज जस्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। So you have to take care that in the employee master, you, if someone has got a MACP of level 10, then his MACP flag should be checked and MACP level 10 should be given. Substantive level should be less only. So that you have to ensure so that while applying leave, it doesn't hamper the person. And that is why I am constantly saying that your employee record should be properly updated. Okay, agar aapne kisi ka pay level galat bhara hai, किसी को MACP मिल गई है लेवल 10 की और आपने उसके पे लेवल में लेवल 10 डाला, तो गलत है। आपको MACP का फ्लैग चेक करके उसका MACP का पे लेवल 10 करना चाहिए और सब्सटेंटिव पे लेवल पुराना वाला ही रखना चाहिए, राइट? नहीं तो सिस्टम उसकी लीव उसके ऑफिसर के पास भेज ही नहीं पाएगा। फिर और मुझसे किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा है, माय लीव एप्लीकेशन हैज बीन सैंक्शन बट आई एम नॉट टेकिंग लीव, कैन आई विदड्रॉ द लीव लेटर? यस, वी हैव गिवन यू द ऑप्शन टू विदड्रॉ लीव, एज आई टोल्ड यू, कैंसिल लीव इफ इट इज नॉट अप्रूव्ड, withdraw leave it is not approved, cancel leave it is approved, but the cancellation request will go to your leave sanctioning authority. Withdraw will happen immediately, it will not require anyone's permission, but cancellation will go to your leave sanctioning authority.
डिस्पोजल ऑफ लीव एलिजिबिलिटी आल्सो इनकॉर्पोरेट नेचर एज पर एम्प्लॉय चार्टर ऑफ कमिटमेंट. नो, एज पर एम्प्लॉय चार्टर ऑफ कमिटमेंट वी हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड एनी टाइमलाइन फॉर डिस्पोजल ऑफ लीव. हमने अभी कोई टारगेट नहीं रखा है कि कितने लीव डाल दी तो 5 दिन के अंदर अप्लाई, वो 1 दिन या 2 दिन के अंदर उसको सैंक्शन कर दो, ऐसा हमने कोई अभी टाइमलाइन नहीं रखा है. लेकिन ये रिकॉर्ड जो है, विच एम्प्लॉय हैज टेकन लीव, कहाँ पेंडिंग है, ये रिकॉर्ड हमेशा रहेगा रेलवे बोर्ड के पास, मुख्यालय के पास, डिवीजन हेडक्वार्टर्स के पास. तो अगर आपके पास लीव पेंडिंग है बहुत दिनों से, तो कोई भी आपको कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने लीव सैंक्शन क्यों नहीं की. ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप लीव सैंक्शन अथॉरिटी है तो आप टाइमली सैंक्शन करिए, नहीं तो आपका रिकॉर्ड दिख जाएगा कि आपका इतनी लीव पेंडिंग है, आप काम नहीं कर रहे, अलग आप लोगों की लीव सैंक्शन नहीं कर रहे. करेक्ट. देन व्हाइल क्लिकिंग ऑन लीव मैनेजमेंट इट इज सेइंग एक्सेस डिनाइड. एक्सेस डिनाइड इफ योर एम्प्लॉय स्टेटस इज नॉट एक्टिव. ओके, ओनली एक्टिव एम्प्लॉयज हु आर इन सिस्टम राइट नाउ, जो एसआर स्टेटस है, इनकी तनख्वाह बन रही है, जो अभी सिस्टम में एक्टिव, वो लीव अप्लाई कर सकते हैं. जो डेपुटेशन पे चले गए, उनको लीव, उनका पुराना लीव दिखेगा लेकिन वो लीव अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि वो लीव वो है नहीं. अगर आप ट्रांसफर आउट है अपने यूनिट से, तब लीव यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे. अगर आप यू नो डिसमिस्ड हैं या यू नो रिटायर्ड हैं, तब आप लीव अप्लाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है. इट इज सेइंग टू चेंज रूल, आई एम CDC ऑलरेडी. इट इज नॉट CDC, इट इज DC. CDC इज कैडर डीलिंग क्लर्क, DC इज डीलिंग क्लर्क. लीव में जो रिकॉर्ड अपडेट करना है वो DC का काम है, CDC का काम नहीं है. CR के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना. FN और AN, FN इज फोरनून, AN इज आफ्टरनून. ठीक है. इफ लीव सेटिंग अथॉरिटीज ऑन लीव, वेदर द लीव एप्लीकेशन सेंट टू हिम शैल बी विथड्रॉन एंड देन अगेन अप्लाई टू लुकिंग आफ्टर ऑफिसर. यस, यू कैन डू दैट. आपकी लीव सेटिंग अथॉरिटी छुट्टी पे, आप विड्रॉ करके आप लुकिंग आफ्टर को भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. यू कैन, यू हैव एन ऑप्शन. आपको, इट इज अपॉन यू दैट यू सेंड इट टू द राइट पर्सन. ओके. CR, lot of people asking CR के बारे में, I have told you already. As soon as we provide you the CR option, you start taking it. Till such time, you maintain your office records. Half day casual leave का option है. Yes, we have option for half day casual leave. You can take a 0.5 casual leave. Is there special casual leave? We have given an option for special casual leave. And then that option is there in the drop down. As we go forward, we'll also try to keep improving the system. हमने जो लीव मिस की हैं या जो लीव नहीं दिख रही हैं या यू नो कोई वैलिडेशन मिसिंग है, उसको हम अपडेट करेंगे जैसे जैसे ये फॉरवर्ड जाएगा. अभी हमने जो आपको सिस्टम दिया, इट इज वन ऑफ द वेरी सिंपल सिस्टम जिसमें कि कोई भी जो नॉर्मल लीव्स हैं वो अप्लाई हो और सैंक्शन हो. और जो भी अगर हमें लगेगा कि कोई इंपॉर्टेंट वैलिडेशन हम मिस कर रहे हैं, तो वो विल डेफिनेटली पुट इट अप. ओके. स्पेशल कैजुअल लीव फॉर हैंडीकैप, दे कैन अप्लाई फॉर स्पेशल कैजुअल लीव एंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे कैन राइट. रिमार्क्स में वो लिख देंगे कि मैं हैंडीकैप हूँ, उसके अंतर्गत मैं स्पेशल कैजुअल लीव ले रहा हूँ, तो that way they can ask for a special casual leave. Okay, people are asking me what if leave not due. Leave not due, we have given an option of leave not due also. Your type of leave is, leave not due is also an option. You can take that option if a leave is not due but you want to get a sanctioned leave. Okay, so leave not due is also an option. Combination of leave ka policy rules I am not going to tell you here, teach you here. Wo aap log dekh lo, rules pad lo. Okay, अवकाश नकदीकरण के मामलों में कैसे प्रविष्टि करेंगे. ओके. हम लोग LAP और CL का आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ये ऑप्शन ऑनलाइन लेके फिलहाल आप उसको यूज करिए अपने लीव एंकैशमेंट में. एग्जैक्ट लीव एंकैशमेंट का जो प्रोसीजर इंटीग्रेट करना है वो सैलरी मॉड्यूल जब हम लोग लाएंगे तो उसके साथ हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे. अभी इमीडिएटली हमने लीव में इंटीग्रेट नहीं किया क्योंकि वो ऑप्शन नहीं था. अभी आप, अगर आपको लीव एंकैशमेंट लेना है तो आप ऑनलाइन लीव ले लीजिए और उसका प्रूफ लगा के आप जैसे लीव एंकैशमेंट लेते हैं ले लीजिए. ठीक है. जब हम HRMS में विल कम अप विद न्यूअर मॉड्यूल, विल ट्राई टू इंटीग्रेट द होल प्रोसेस इन वन गो. ओके. और देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस. ठीक है. ओके. एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन हमारे पास टाइम भी बहुत कम है. देयर आर ओवर 1000 पीपल. तो यू वांट टू शेयर, हाउ डू आई रिमूव दिस, शेयर कर दिया यार ये. हु हैज शेयर्ड दिस? इशुराज स्क्रीन, इशुराज आपने स्क्रीन अपना शेयर कर दिया, मतलब शेयर मत करो यार. हाँ, थैंक यू. ओके. तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि लीव कैसे अप्लाई करते हैं और सैंक्शन कैसे होता है, पूरा डिटेल क्या है. अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पार्ट में हम आपको ये बताएंगे कि लीव रिकॉर्ड अपडेट कैसे होना है, एम्प्लॉय की लीव कहाँ से आ रही है प्रोविजनल बैलेंस, पर्सनल डिपार्टमेंट और अकाउंट का क्या रोल है,
वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कैसे इसको अपडेट करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, आपको मतलब पूरा जो अकाउंट्स और बेटिंग कैसे होनी है लीव की, उसका पूरा जो प्रोसेस फ्लो है वो हम आपको बताएंगे अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप लोग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाके चेक करो, लीव मैनेजमेंट तो मत चेक करो, वहां पे आपको एक्सेस नहीं दिया हुआ है। 1 अगस्त को लीव लॉन्च होगा, उसके बाद आपको एक्सेस मिलेगा, अभी एक्सेस डिनाइड आएगा, तो उसके बारे में परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी आप इस बात पे ध्यान दो, अभी आप इस बात पे ध्यान दो कि हम लोग पुराने लीव को कैसे लेके आ रहे हैं, उसको कैसे अपडेट करेंगे, मैनुअली लीव अपडेट कैसे करते हैं, लीव लेजर कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये अगला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे क्लर्क्स के लिए, सारे डीसीज के लिए, सारे अकाउंट्स ऑफिसर्स के लिए।